भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व स्टेट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस मल्ला रेड्डी, कुतुबुल्लापुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री कुना श्री सैलम गौड़, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जी श्रीनिवास, असेंबली कन्वीनर श्री एस सी एच बुच्चिरेड्डी, यूपी के लोकसभा के माननीय एमपी श्री संगम लाल गुप्ता जी, भारी संख्या में कुतुबुल्लापुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं इस पावन धरा को नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आप इतनी भारी संख्या में उत्साह के साथ आए हैं, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आपकी ये भारी संख्या तेलंगाना से बीआरएस सरकार की विदाई की शुरुआत है। आपका यह उत्साह दिखाता है कि केसीआर की सरकार आप तेलंगाना में बहुत अधिक दिनों तक नहीं टिक रह पाएगी और तेलंगाना भी उत्तर प्रदेश की तरह डबल इंजन सरकार में विकास, सुरक्षा और राम राज्य के पथ पर अग्रसर होकर के विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देगा। भाइयों बहनों, बीआरएस की सरकार ने तेलंगाना राज्य के सपने को चकनाचूर कर दिया है। कांग्रेस ने पहले ही तेलंगाना वासियों की उपेक्षा की थी, यहां के लोगों का शोषण किया था, यहां पे भ्रष्टाचार को बढ़ाया था। आज केसीआर के नेतृत्व में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पूरा कर दिया है। आज तेलंगाना में सरकार परिवारवाद, भ्रष्टाचार और घोर तुष्टीकरण की प्रतीक बन चुकी है। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार तेलंगाना में बनेगी तो मुस्लिम आरक्षण समाप्त करते हुए अनुसूचित जाति एससी एसटी और ओबीसी को इस आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तय कर रखा है कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके तेलंगाना के भाग्य लक्ष्मी का केंद्र बिंदु बनाएंगे। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए।
जो लोग आज तेलंगाना में लैंड माफिया के रूप में, सैंड माफिया के रूप में और ऑर्गेनाइज क्राइम के माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, एक ओर इनके अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा और दूसरी तरफ यहां के नौजवानों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी श्री कुनासी सेलम गौड़ को असेंबली में भेज करके, भाइयों बहनों हम यहां पर फिर से भगवान लहराने का काम करेंगे और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। भाइयों बहनों आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत का सम्मान बढ़ा है, दुनिया में भारत को लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे हैं, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। याद करिए कांग्रेस की सरकार के समय आज ही के दिन सन 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, सैकड़ों लोग निर्दोष लोग मारे गए थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज आतंकवाद के खिलाफ एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक होती है। ये नया भारत है, ये सम्मान भी अर्जित करता है, अपने नागरिकों को सुरक्षित भी रखता है। हाईवे रेलवे और एयरपोर्ट के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी देता है, एम्स आईआईटी आईएम वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के रूप में लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं भी देता है। भाइयों बहनों गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे वह भारत को दुनिया की एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने का मोदी जी का विजन आज ये प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। एक तरफ भारत विकसित देश बन रहा है, दूसरी तरफ तेलंगाना कर्ज के तले दब करके भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। भाइयों बहनों 2017 के पहले यूपी में भी यही हुआ था, लेकिन आज यूपी में दंगा नहीं होता, यूपी में कर्फ्यू नहीं है, यूपी में दंगा नहीं है, यूपी में सब और चंगा है। और भाइयों बहनों यूपी में तो अब राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। आप मुझे एक बात बताओ भाइयों बहनों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, कुतुबुल्लापुर असेंबली से जुड़े हुए आप सभी बंदों से मैं पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, आप सबको खुशी है? राम मंदिर बनने पे खुशी है? एक खुशी और मैं आपको बता दूं कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला का प्रकटीकरण होने जा रहा है, होने जा रहा है ना। आप मुझे एक बात बताओ कि इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने राम भक्त हैं जो अयोध्या आना चाहते हैं? आप लोग भी करिए, आप लोग भी बताइए, इधर भी अयोध्या आने के इच्छुक कितने हैं? आप सभी अयोध्या आना चाहते हैं ना? तो 22 जनवरी के बाद मैं आपके अभिनंदन के लिए अयोध्या में तैयार रहूंगा। मेरी शर्त है कि आप लोग यहां से कुतुबुल्लापुर से कुनासी सेलम गौड़ को असेंबली में फिर से भेजिए। सभी सहमत हैं? इधर से
भेजेंगे, कमल चुनाव चिन्ह पर भेजेंगे। तो भाइयों बहनों, आपका आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को, बीजेपी के प्रत्याशी को प्राप्त हो और बीजेपी का प्रत्याशी 22 जनवरी के बाद आपको अयोध्या दर्शन के लिए सादर आमंत्रित भी करने जा रहा है। और इसी आमंत्रण के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सब सहमत है ना? तो चारों ओर से एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। चले माता की जय श्री राम, जय श्री राम। योगी योगी योगी।